फ़र्क इतना है कि अभी रात हो रही है एंड रात के 11:20 लिटरली कुछ हो रहे हैं एंड अभी मैं खड़ा हूँ बाहर बुआ के मतलब ऑलमोस्ट छत पे खड़ा हूँ अपने बुआ के घर के एंड ऐसे ही हवा चल रही थी मैंने इन्जॉय कर लेते हैं एंड अभी मेरे भैया लेने गए हैं सबके भैंस के भैंस खा के फिर हम जाएंगे हमारे यहाँ भैंस सुबह सुबह 7:45 की एंड वो सीधा पहुँच जाएगी 11 बजे बाहर मतलब जाना हमारे घर और कल के ब्लॉग में बहनी से भी मिलेंगे कल के मतलब इसी ब्लॉग में मिलेंगे क्योंकि भाई रात मेरे को पूरे दिन में ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि नानी घर से चले थे हम तो 2:30 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद मैं ऑलमोस्ट थोड़ी देर ऐसे ही बैठा मतलब फिर मैं 5 से 6 घंटा सो गया फिर नींद भी काफ़ी आ रही थी बीच बीच में से सबसे बातें बीतें भी जैसे तो ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला हालांकि ब्लॉग एडिट करके डाल दिया जरूर है मैंने और क्या कहते हैं कि बस अब एक डेली ब्लॉग रहेगा इस 27th का और फिर डेली ब्लॉग करते हैं एंड अभी गाइस थोड़ी देर में बस सोएंगे और इसी ब्लॉग में बने रहो आपसे मैं मिलता हूँ सुबह जब हम जाएंगे अपने घर फाइनली बहनी से मिलूँगा ऑलमोस्ट 8-9 दिन हो गए बहनी से मिले बहुत याद आ रही है उसकी। सो गाइस यस दिस इज द नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे नहीं अगला दिन नहीं है तो आज है क्या है आज 28th जून है एंड मैं घर वापस आया था कल तो वाइस कल घर वापस आने के बाद लिटरली हमारी ट्रेन 12:30 बजे उतरी थी मतलब लुधियाना मतलब पहुंची थी और 1 बजे तक हम आ गए थे क्योंकि स्टेशन 7-8 किलोमीटर दूर है तो आने में टाइम लग जाता है ऊपर से रश भी होता है तो इसीलिए और ऊपर से इतनी गर्मी भी थी तो इसीलिए हम पहुंचे ऑलमोस्ट हमें पहुँचे 1 बज गए थे 1 बजने के बाद आने आ गया और 1 बजने के बाद हम आए और आने के बाद सबसे पहले तो भाई गर्मी थी तो कोई ठंडा भी मुँह हाथ धोए मैंने तो नहाने का मन था तो मैं तो नहा लिया फटाफट से एंड फिर थोड़ी देर रेस्ट करके लंच किया और लंच करते करते 4 बज गए और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इसलिए मैं सो दिन 2-3 घंटे सो गया आराम से नींद भी पूरी कर ली थोड़ी थी तो नींद पूरी होगी और फिर उठा शाम को थोड़ी देर ऐसे दोस्तों से मिलने गया बड़े दिनों बाद दोस्तों से मिलना तो वैसे दोस्तों से मिलने गया बातें बातें की और रात को थोड़ी देर ज़्यादा अपना घंटा खेल लिया ज़्यादा भी नहीं मतलब ऐसे ही बातें करते रहा दोस्तों से और खेलना भी थोड़ा सा तो आ गया था फिर रात को डिनर करके बहुत ज़्यादा लगा हुआ था तो सो ही गया दोबारा से एंड फिर सीधा सुबह आटा उठाऊँ 9 बजे और उठने के बाद फिर नहा धो के नाश्ता करके रेडी होके फिर मैं और मेरी मम्मा कहीं 2 घंटे पहले काम से गए थे वहाँ से आने के बाद हमने उन्होंने हमारे घर की साइडिंग चेंज की मैं आज अभी ब्लॉग बना पा रहा हूँ तो अभी मैंने डेली ब्लॉग अभी भी ख़त्म नहीं हुआ लास्ट ब्लॉग अभी भी आ रहा बाकी लेकर 2 महीने होने को आ गए अभी तक नहीं हुए क्योंकि गाय काफ़ी थकावट थी मतलब इतना काम हो गया था बीच में मई और जून का महीना कैसे निकला है मैं जानता हूँ एंड फिलहाल आज मतलब इस ब्लॉग के बाद से मैं यानी कि कल से मैं करूँगा डेली ब्लॉगिंग वापस से शुरू मैं काफ़ी अभी भी बोल सके बुआ घर से करूँगा फिर बोल सके नानी घर से करूँगा फिर बोल सके जब घर जाके घर जाऊँगा उसी दिन से कर लूँगा कल से भी नहीं किया आज से नहीं किया कल से करूँगा एंड गाइस इन लोगों को बताया 28th का तो मेरे स्कूल जाके शुरू है 4 से तो भी 29, 30, 1, 2, 3 तो भी 5 दिन और है 5 दिन आपको घर के लोग देखेंगे मतलब बनाऊँगा तो स्कूल में भी नहीं 5 दिन बाद से मैं स्कूल जाने लग जाऊँगा ये बता रहा हूँ एंड देखते हैं स्कूल में मेरे एम दूसरे से मिलेंगे क्या गप्पे शप्पे लड़ाई मतलब बातें बुतें लड़ाई वगैरह है ना एंड गाइस बहनी को ना दोबारा से वो प्रॉब्लम होगी तो भी आज हम एक डॉक्टर से बात कर गए हैं तो 1-2 दिन में उसको वहाँ पर ले कर जाएंगे और उसको इंजेक्शन फिर से लगेंगे और उसके बाद स्पेस वो भी लगेंगे उसके बाद बहनी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोबारा गाइस उन्होंने कहा कोई बात नहीं गर्मी है गर्मी से होता रहता है तो बहनी ठीक हो जाएगा सर्दियों में तो गाइस हमारे बहनी बिल्कुल एकदम हट्टा कट्टा और फिर एकदम फिट एंड फाइन रहता है बिल्कुल खेलता रहता है हाँ जिन लोगों को नहीं पता वो जाके देख लो सर्दियों वाले लोग आपको पता भी लग जाएगा एंड अभी गाइस आज मैंने जाना है वापस अकेडमी 10 दिन से गया नहीं थोड़ा मतलब अनफिट और शायद में लग रहा है मैं अनफिट हो गया हूँ क्योंकि अकेडमी जाना था तो रोज 3-4 राउंड लगा था बड़े बड़े ग्राउंड के खेलता था 2-2 घंटे तो जब बाहर जाओ कुछ खा पी लो तो शायद वजन बढ़ जाता है तो मेरा इतना बढ़ता नहीं है तो दस चेक का हमारा वजन भी कितना हो हम चेक करते हैं हमारा वेट एंड ये थोड़ी ना मशीन गंदी है तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान में देना सिर्फ वेट पे ध्यान देना अगर आपको दिखे तो वरना मैं बताऊँगा जैसे ही देखते हैं चलो ये हमने किया और इसको ना गाइस थोड़ी ऐसे ऊपर की होती रहती है तो इसको चेक करने के लिए ना हमें ऐसे बिल्कुल ऐसे दबा के रखना पड़ता है एंड मेरा वेट है गाइस 35.2 लिटरली मैं जब गया था यहाँ से मैं 33 वेट 33.2 था
फिर मेरे 2 किलो वेट बढ़ चुके हैं। आज मैं खेलने जाऊंगा ना तो देखूंगा, आके देखूंगा। शर्त दावे से कह रहा हूँ, मेरा 300-400 से ज़्यादा वजन कम हो गया होगा, बट दावे से कह रहा हूँ आपको, तो आगे बताऊंगा। अब तो गाइस 4 बज गए हैं, तो थोड़ी देर में मैं ऑलमोस्ट 4:30 तक रेडी हो जाऊँगा और फिर 5 बजे जाऊँगा खेलने के लिए। काफ़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है, काफ़ी दिनों के बाद अपने अकेडमी वाले फ्रेंड्स से भी मिलूँगा, बातें करूँगा, सब कुछ बताऊँगा कहाँ कहाँ गया था। एंड गाइस मैंने समर हॉलीडेज का होमवर्क ना, मतलब मेरी 1 से 4 तक, 1 जून से लेकर 4 जुलाई तक मतलब छुट्टियां हैं, और अभी तक मैंने लिटरली शुरू भी नहीं किया था, आ जाके शुरू किया 28वें दिन। 28 दिन तक मैंने लिटरली टच भी नहीं किया था, तो अब जाके मैंने खोला है। इंग्लिश का मैंने होमवर्क कर लिया है, बाकी सब्जेक्ट्स का पढ़ा है मेरा, तो बाकी सब्जेक्ट का मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा मैंने पहले किया था टच, तो मतलब यार मैं अभी ना क्या बोलता हूँ, बीच में थोड़ा सा मैंने किया था। मैंने कहा 2-3 का ऑनलाइन है, मतलब PPT वगैरह कुछ बनाना है और भी है, बाकी जो रिटर्न काम था बाकी सब वो तो मैंने कर लिया था, बस इंग्लिश का रह गया था वो भी मैंने कर लिया। तो लेट्स सी अब क्या होता है, अब मतलब क्या होता है, क्या कह रहा हूँ। चलो अभी मैं सोच रहा हूँ, फिर अभी फ्री हूँ मैं आधा घंटा, तब तक मैं एक ब्लॉग वो डेली ब्लॉग एडिट कर ही लेता हूँ, एंड फिर उसके बाद गए आज मैं तो रात को बैठ के एडिट करूँगा 365 डेज की, मुझे देखते कितना टाइम एडिट करने में। चलो चलते हैं और एडिट करते हैं वीडियो।